हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपने जो आपका सब्जेक्ट है GPB 311, इसका लेक्चर नंबर अपने करेंगे थर्ड। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर जो अपनी फर्स्ट क्रॉप थी राइस, वो कंप्लीट हो गई थी। आज अपने नई क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, मेज के बारे में, ठीक है, जिसे अपने मक्का भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट अपना पॉइंट होगा वो होगा इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम, कि जो मेज है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम है जिया मेज, ठीक है। यहाँ पर जो जिया वर्ड है ये शो कर रहा है इसके जीनस को, ठीक है, कि जिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जीनस को, और मेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्पीसीज को। फिर अपने पढ़ेंगे इसकी फैमिली के बारे में, कि मेज किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी फैमिली है ग्रेमिनी, जिसे अपने पोएसी भी कह देते हैं, ठीक है। और फिर अपने देखते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, कि जो जिया मेज है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम होते हैं 20 क्रोमोसोम होते हैं, और ये एक डिप्लोइड स्पीसीज है, ठीक है, कि जिया मेज के अंदर 20 क्रोमोसोम हैं, और किस प्रकार की स्पीसीज है, डिप्लोइड। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ओरिजन, मतलब इसका उत्पत्ति स्थल। तो मेज का उत्पत्ति स्थल अपने सेंट्रल अमेरिका को मानते हैं, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। थर्ड अपना पॉइंट है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, कि मेज की सोइंग या मक्का की बुआई किन किन कंट्रीज़ में की जाती है, या इंडिया के कौन कौन से स्टेट में की जाती है। तो जब अपने कंट्री की बात करें तो सबसे पहले तो अपना आ जाएगा USA, ठीक है, चाइना, रूस, कनाडा, अफ्रीका और एशिया का कुछ पार्ट, ठीक है। और यदि अपने इंडिया में बात करें कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में मेज की सोइंग की जाती है, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, सबसे पहले अपना राजस्थान ही, फिर पंजाब के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मेज की सोइंग की जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपने चार पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले अपने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, सेंटर ऑफ ओरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में अपने कंट्रीज देख ली और इंडिया के स्टेट देख लिए, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो है सेंटर ऑफ ओरिजन, और दूसरा है इसकी फैमिली और इसमें क्रोमोसोम नंबर। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट पढ़ेंगे प्रोजिनेटर्स या पूर्वज, कि जो अपनी क्रॉप है मेज या मक्का, इसके प्रोजिनेटर्स या पूर्वज कौन से प्लांट हैं, ठीक है। तो अपने हेडिंग लगाते हैं प्रोजिनेटर्स। तो इसमें आपने दो प्लांट याद रखने हैं, एक तो है जिया, ट्यूनिकाटा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, जिया ट्यूनिकाटा, और सेकंड है जिया ट्यूनिकाटा, और सेकंड है जिया टियोसिंटी, ठीक है। जिया ट्यूनिकाटा और जिया टियोसिंटी, इन दोनों प्लांट्स को अपने मेज के प्रोजिनेटर्स या पूर्वज मानते हैं। इसके बाद अपने बढ़ते हैं इसकी स्पीसीज के बारे में, ठीक है, कि इसका बोटेनिकल नेम क्या था, अपने देखा था जिया मेज। यहाँ पर जिया क्या था, जीनस था, और मेज क्या थी, इसकी स्पीसीज थी। कि ये जो जीनस है या वंश है, इस वंश या जीनस के अंदर कितनी स्पीसीज आती हैं, तो इसमें चार स्पीसीज आपने याद रखनी है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर जिया मेज, सेकंड जिया मैक्सिकाना, थर्ड जिया पेरिनियस, फोर्थ
जिया डिप्लोपेरिनियस, ठीक है। ये चार स्पीसीज हैं जो इस जिया जीनस के अंदर आती हैं। इसमें से जो जिया मेज है ये कल्टीवेटेड स्पीसीज है, ठीक है, ये कल्टीवेटेड स्पीसीज है, और नीचे वाली तीनों ये वाइल्ड स्पीसीज हैं। मतलब अपने कह सकते हैं कि सिर्फ जिया मेज की ही खेती की जाती है, जो नीचे वाली तीनों स्पीसीज हैं ये वाइल्ड स्पीसीज हैं, इनकी खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जो चार स्पीसीज हैं इनमें कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं, कौन सी स्पीसीज डिप्लोइड है, कौन सी टेट्राप्लोइड है, कौन सी एनुअल है, कौन सी पेरिनियल है। तो चार स्पीसीज थी अपनी, जिया मेज, सेकंड जिया मैक्सिकाना, थर्ड जिया पेरिनियस, और लास्ट में थी जिया डिप्लोपेरिनियस, ठीक है। इसमें से अपने इसके क्रोमोसोम पहले भी लिख लिए थे कि ये डिप्लोइड है और इसमें क्रोमोसोम 20 होते हैं। जो जिया मैक्सिकाना है ये भी डिप्लोइड है और इसमें भी क्रोमोसोम 20 होते हैं। जो पेरिनियस है इसमें जो क्रोमोसोम है वो टेट्राप्लोइड है और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 40 होते हैं या 40 होते हैं। और जो जिया डिप्लोपेरिनियस है ये भी डिप्लोइड है और इसमें भी क्रोमोसोम कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम आपने याद रखने हैं। और इसमें जो जिया मेज है इसमें अपने कॉर्न भी बोल देते हैं, ठीक है। जो जिया मैक्सिकाना है, जिया पेरिनियस है, जिया डिप्लोपेरिनियस है, इन तीनों का जो प्रोजिनेटर्स है या पूर्वज है वो कौन है, टियोसिन्टी, ये इन तीनों का पूर्वज है। इसमें से जो जिया मैक्सिकाना है, जो जिया मैक्सिकाना है, पेरिनियस है और डिप्लोपेरिनियस है, इसमें से जो जिया मैक्सिकाना है ये किस प्रकार की है, एनुअल। जिया मैक्सिकाना किस प्रकार की है, एनुअल है, और जो जिया पेरिनियस और जिया डिप्लोपेरिनियस है ये किस प्रकार की हैं, होती हैं पेरिनियल होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि मैक्सिकाना एनुअल है और पेरिनियस और डिप्लोपेरिनियस ये किस प्रकार की होती हैं, पेरिनियल होती हैं। तो इन स्पीसीज के बारे में पढ़ने के बाद अपने पढ़ेंगे मेज की फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। फ्लोरल बायोलॉजी में पढ़ेंगे अपने कि जो मेज है वो किस प्रकार का प्लांट है, इसमें जो मेल इनफ्लोरिसेंस है या फीमेल इनफ्लोरिसेंस है उसका क्या नाम होता है, कहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग है मेन फ्लोरल बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि मेज किस प्रकार का प्लांट है, मोनोशियस, किस प्रकार का प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। इसका क्या मतलब है कि जो मेज का प्लांट होता है उसमें दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों टाइप के फ्लावर मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दोनों टाइप के फ्लावर अलग अलग इनफ्लोरिसेंस में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पुष्प क्रम पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो मेल इनफ्लोरिसेंस है उसे अपने कहते हैं, मेल इनफ्लोरिसेंस को अपने टेसेल भी कहते हैं, ठीक है, मेल इनफ्लोरिसेंस को अपने टेसेल भी कहते हैं। और जो मेल इनफ्लोरिसेंस है ये प्लांट के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जैसे अपने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, ठीक है, कि जो टेसेल है मतलब जो मेल इनफ्लोरिसेंस है वो प्लांट के एपिकल पार्ट टॉप पोर्शन या शीर्ष भाग में पाया जाता है, और जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस है या मादा पुष्पकर्म है जिसे अपने सिल्क या कॉम्ब कहते हैं वो प्लांट के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है आपने कि मेल इनफ्लोरिसेंस क्या है, टसल, फीमेल, सिल्क, मेल कहाँ पर पाया गया है, टॉप पार्ट पर, और फीमेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिडल पार्ट पर, ठीक है। फिर अपने देखते हैं कि इसमें पॉलिनेशन कौन सा होता है, परागण कौन सा होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, कि जब एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं
उसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जो दोनों फ्लावर हैं वो अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं, उनका जो मैच्योरेशन टाइम है वो अलग अलग है। कि मान लो मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो गया, फीमेल फ्लावर बाद में मैच्योर हो रहा है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि जो उनका मैच्योरेशन पीरियड है, जो उनकी टाइमिंग है मैच्योर होने की, वो अलग अलग है, इसलिए उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर अपने देखते हैं कि इसमें जो प्रोपेगेशन है वो किस टाइप का होता है, मतलब मेज किस प्रकार की क्रॉप है, इसको अपने किसके द्वारा प्रोपेगेट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मेज सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है। ठीक है, प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने पढ़ना है, इसमें आपसे पूछा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। तो आइसोलेशन डिस्टेंस, जो नॉर्मली आइसोलेशन डिस्टेंस है वो होता है 400 मीटर। कितना होता है? 400 मीटर। लेकिन जो इसका फाउंडेशन सीड है, मतलब जिसमें ओपन पॉलिनेटेड स्पीसीज आती हैं, जो मेज की ओपन पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं और इनका जो फाउंडेशन सीड्स होता है, उसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होता है, 200 मीटर या 200 मीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है फ्लोरल बायोलॉजी में कि ये मोनोशियस प्लांट है, दोनों फ्लावर अलग अलग इनफ्लोरिसेंस पर प्रेजेंट होते हैं। मेल इनफ्लोरिसेंस टसिल होता है जो प्लांट के ऊपरी भाग में पाया जाता है, फीमेल फ्लावर सिल्क होता है जो प्लांट के मिडल पोर्शन में पाया जाता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम मैच्योर होते हैं, सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है, और आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है। और जो ओपन पॉलिनेटेड वराइटीज़ होती हैं, जो उनका फाउंडेशन सीड होता है, उनके लिए डिस्टेंस कितना होता है, 200 मीटर। ठीक है, और लास्ट में अपने पढ़ते हैं इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसके प्रजनन के उद्देश्य क्या है या क्या हो सकते हैं। तो फ्लोरल बायोलॉजी के बाद अपने मेन हेडिंग लगाते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, प्रजनन उद्देश्य। तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर के लास्ट में बताया था कि आपके सिलेबस में जितनी भी क्रॉप्स हैं, उन सभी क्रॉप्स के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव आप कैसे याद रख सकते हो। तो यदि आपने देखा है तो आपको पता होगा, यदि आपने नहीं देखा तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए। तो जैसे कि हर क्रॉप के अंदर जो फर्स्ट उसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, हायर यील्ड, हायर यील्ड या अधिक उत्पादन। ठीक है, हायर यील्ड या अधिक उत्पादन, हायर यील्ड। ठीक है, कि मेज की जो यील्ड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड आ जाएगा ग्रेन क्वालिटी या इम्प्रूव्ड ग्रेन क्वालिटी, ग्रेन क्वालिटी। अब ग्रेन क्वालिटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कि जो मेज का ग्रेन होता है या सीड होता है उसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उसके अंदर जो ऑयल की मात्रा होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो ग्रेन है उस ग्रेन का कलर वो अच्छा होना चाहिए। ये तीनों ही पॉइंट किस में आ जाएंगे, ग्रेन क्वालिटी में आ जाएंगे। और इसमें से जो मेन आपने याद रखना है कि जो मेज के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो मेज के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे अपने जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। कि मेज का बोटैनिकल नेम आपने क्या पढ़ा था, जिया मेज। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। थर्ड आ जाएगा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, डिजीज रेजिस्टेंस। अब मेज के अंदर जो कॉमनली डिजीज पाई जाती हैं, तो अपनी क्रॉप उन सभी डिजीज से रेजिस्टेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, जैसे रूट रोट, स्टॉक रोट, ईयर रोट, लीफ ब्लाइट। ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं, इन सभी डिजीज़ से जो अपनी क्रॉप है वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। लास्ट में आ जाएगा इंसेक्ट रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस। कौन सा इंसेक्ट जो इंडिया के अंदर कॉमनली
अपनी मेज़ की क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है स्टेम बोरर, ठीक है, कि जो अपनी क्रॉप है वो इस इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आज कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं मेज के अंदर। सबसे पहले आपने पढ़ा था इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था कि इसका बोटैनिकल नेम क्या होता है, जिया मेज। फिर आपने पढ़ा था इसकी फैमिली के बारे में कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली कौन सी थी, ग्रेमिनी, जिसे अपने पोएसी भी बोलते हैं। और जो जिया मेज है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं, ये एक डिप्लोइड स्पीसीज है। फिर अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ा था, सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका सेंट्रल अमेरिका है। डिस्ट्रीब्यूशन में अपने कई कंट्रीज पढ़ी थी और स्टेट पढ़े थे। मेन पढ़ा था अपने इसमें फिर स्पीसीज कौन कौन सी हैं, चार स्पीसीज थी इस जीनस के अंदर, जिया मेज, जिया मैक्सिकाना, जिया पेरिनियस, जिया डिप्लोपेरिनियस। इसमें से जो जिया मेज है वो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, बाकी तीनों वाइल्ड स्पीसीज हैं। जो जिया पेरिनियस है वो टेट्राप्लॉइड है, बाकी सभी डिप्लोइड हैं, सभी में 20 क्रोमोसोम होते हैं और जो टेट्राप्लॉइड है उसमें 40 होते हैं। ठीक है, फ्लोरल बायोलॉजी में अपने पढ़ा था कि ये मोनोशियस प्लांट है, इसमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, लेकिन दोनों टाइप के फ्लावर अलग अलग इनफ्लोरिसेंस पर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल इनफ्लोरिसेंस है उसे अपने टसेल कहते हैं और वो प्लांट के शीर्ष भाग पर प्रेजेंट होता है। जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस है उसे अपने सिल्क बोलते हैं या कोम्ब बोलते हैं, वो मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि दोनों टाइप के फ्लावर अलग अलग टाइम मैच्योर होते हैं। सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है, आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर और फाउंडेशन सीड के लिए 200 मीटर। ठीक है, फिर अपने ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में आपने याद रखना है कि जिया मेज के अंदर जो प्रोटीन होता है वो उसे अपने क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इस क्रॉप के अंदर कोई शायद एक से दो पॉइंट अपने रह गए, वो अपने पढ़ेंगे जो आपका लेक्चर नंबर 4th होगा। ठीक है, तो इस क्रॉप के अंदर या इससे पहले जो अपनी क्रॉप की है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो अपनी डाउट क्लास होगी जूम पर उसमें आप पूछ सकते हो, या आप पर्सनली भी मैसेज कॉल करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने जो आपका अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा 4th। ठीक है।